आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ माही। सुल्तानपुर जेल में मोबाइल पर अपराधी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, इसका खुलासा अयोध्या के SP जोगिंदर कुमार ने किया है। सरगांव रवि सिंह गैंग के दो शूटर का अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर सुल्तानपुर जेल में बंद रवि सिंह के लिए काम करते थे। इस मामले में अभी भी 3 शूटर फरार चल रहे हैं। जेल में बंद सरगना रवि सिंह अयोध्या के 2 बड़े व्यापारियों से 50 लाख रुपए की रंगदारी मंगवाई थी। पुलिस ने जाँच करते हुए 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की जेलों से आपराधिक गतिविधियों का संचालन कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली है कि जेल में बंद माफिया सरगना व्यापारियों से वसूली करवाते हैं। ऐसी ही एक घटना का खुलासा आज हुआ है। SSP अयोध्या जोगिंद कुमार ने खुलासा किया है कि सुल्तानपुर जेल से आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। जेल में बंद रवि सिंह अपने सूत्रों से अयोध्या के 2 प्रतिष्ठित व्यवसायी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मंगवाई थी। पहली रंगदारी शहर महिंद्रा वाहन एजेंसी अमित ऑटो सेल्स के मालिक संजय घई और दूसरा बीकापुर के लक्ष्मी बिक्रफील्ड के कैंपस में पत्र फेंकवाकर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मंगवाई थी। दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना शुरू की तो मालूम हुआ कि सुल्तानपुर जेल में बंद सरगना रवि सिंह जेल से ही आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। जनपद अयोध्या में एक के बाद एक 3 तरीके के पत्र फेंके गए जिसमें रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें एक रोहनाई की घटना थी, एक कैंट का और एक बीकापुर का। तीनों ही घटनाओं में पत्र फेंक करके रंगदारी मांगी गई थी। पत्र मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने आकर दिए थे तीनों जगह पर, तो ऐसा लगा कि तीनों घटनाएं कहीं कहीं एक जैसी है और एक रूप इसका है घटनाओं का। टीम लगाई गई SPRA के नेतृत्व में और CO बीकापुर के नेतृत्व में, अभिषेक सिंह सरोलांश इंचार्ज के नेतृत्व में टीम ने अच्छा वर्कआउट किया है और इन तीनों घटनाओं को वर्कआउट कर लिया है हम लोगों ने। इसमें पूरा गैंग पकड़ में आ गया है, जिसमें रवि सिंह पहले से जेल में है, जो इस गैंग का सरगना है और जेल से ही यह गैंग को संचालित कर रहा है ऐसा लग रहा था। ये लोग जेल में सुल्तानपुर जेल में मिले थे पहले और इन्होंने रंगदारी वसूलने की योजनाएं बनाई, उसी को अमल देते हुए इन्होंने अयोध्या में 3 घटनाएं कारित करी। इसमें अभिषेक सिंह और नितिन मिश्रा अभी अरेस्ट हुए हैं, दोनों जो आपके सामने पेश हुए थे, ये दोनों लोग अरेस्ट किए गए, पहले भी जेल जा चुके हैं। इन्होंने ही मोटरसाइकिल पर आकर के हर जगह पत्र दिया था जिस पर रंगदारी की बात की गई थी। इसके अलावा इसके साथ ही 3 और हैं, निहाल खान अभिषेक गोस्वामी और विपिन मिश्रा अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, उसको हम लोग जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। निहाल रजा और अभिषेक गोस्वामी जेल में है, पूर्व में अभी जेल जा चुके हैं 6-7 दिन पहले किसी और मामले में, सुल्तानपुर से लूट के मामले में शायद। 3 चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है, चोरी की मोटरसाइकिलों का भी काम करते हैं। 3 मोटरसाइकिलें मिली है चोरी की और 1 तमंचा, 2 तमंचे, 2 अदद तमंचे बरामद हुए। 315 बोल्ट। अयोध्या से विशाल अग्रवाल की रिपोर्ट।